बच्चों, क्लास 11th में आज हम लोग बचा हुआ भाग थोड़ा सा लाइकियन का पढ़ने के बाद सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो लाइकियन, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकियन बच गया था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ लाइकियन आपको हम बता दिए थे, 2 मिनट का है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकियन, इकोलॉजी की दृष्टि से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो मुख्य रूप से 2 ही इंपॉर्टेंस है। एक फॉर्मेशन ऑफ जीरोसेरा, मरुक्रमक के निर्माण में अर्थात सॉयल फॉर्मेशन में, तो जिन स्थानों पर खाली वैकेंट सॉयल होती है, सबसे पहले पॉइनियर ऑर्गेनिज्म में लाइकेन वहां ग्रो करते हैं, तो हल्की सी मृदा सॉयल बन जाती है। उसके बाद मॉस प्रोफाइट्स ग्रो करते हैं, तो कुछ और सॉइल बन जाती है, फिर अन्य वनस्पतियां वहां उगने लगती हैं। तो ये मरुक्रमक का निर्माण रहा। और दूसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका है, गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं लाइकेन्स, क्योंकि जब मैक्सिमम जो है एयर पॉल्यूटेंट काज होता, अधिकतम वायु प्रदूषित हो जाती है, तो लाइकेन क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि वायुमंडल अधिक प्रदूषित हो गया है, इसीलिए कहते हैं गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है ना। वायु प्रदूषक होते हैं, अच्छे वायु प्रदूषक होते हैं। ये 2 इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रहा, मरुक्रमक के निर्माण में और वायु प्रदूषण के संकेतक के रूप में। अब आगे के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीव को बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये क्या हैं? तो दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म वी डू नॉट सी और नेकेड आई, ऐसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे जीव जिनको हम अपनी नंगी आंखों से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो उसको देखते कैसे हैं? माइक्रोस्कोप एक यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जो सूक्ष्म जीवों को देखने के ही काम आता है, इसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके अध्ययन कराने वाली शाखा माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। क्या कहलाती है? सूक्ष्म जैविकी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सूक्ष्म जैविकी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है व्हिच डीलिंग द स्टडी ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। अब इसी के क्रम में कुछ सूक्ष्म जीव, जैसे हम लोग जाने वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और वायरस, ये सूक्ष्म जीव है। सबसे अधिकतम सूक्ष्म जीव वायरॉइड्स, प्रियॉन, उसके बाद वायरस आते हैं। तो वायरस के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन वायरॉइड्स और प्रियॉन इसको जानना ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लोग वायरॉइड्स पढ़ेंगे। वायरॉइड्स एक विशेष प्रकार की वायरस ही है, लेकिन वायरस विषाणु का 1000वां भाग होता है, इतना छोटा है सूक्ष्म जीव है। तो इसकी डिस्कवरी, खोज बच्चों 1771 ईस्वी में थियोडोर डाइनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1771 ईस्वी में वायरॉइड्स की खोज की गई थी। ये होते क्या है वायरस, तो इसको जाने स्फेरिकल, ये गोल संरचनाएं, गोली संरचनाएं हैं। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से इसका अध्ययन किया गया, तो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर, ये संरचना में गोल दिखाई देते हैं। और क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, एक सूत्री। जानते हैं कि जी 2 सूत्री, 1 सूत्री, न्यूक्लिक अम्ल 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। जिसमें डीएनए होता है न्यूक्लिक अम्ल, द्विसूत्री डबल स्टैंडर्ड होते हैं, और जिसमें आरएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड, 1 सूत्री। तो ये क्या है वायरॉइड्स? सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और मॉलिक्यूल, 1 सूत्री आरएनए और होता है।
तो ये गोल एक सूत्री आरएनए अणु होता है। कौन वायराइड्स, इसमें न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए, अभी हमने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो इसमें डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड द्विसूत्री और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड एक सूत्री होता है। तो यहां आरएनए प्रेजेंट होता है इसमें, बट प्रोटीन कैप्सिड एब्सेंट। इसके चारों तरफ प्रोटीन कैप्सिड, प्रोटीन का आवरण, प्रोटीन खोल नहीं होता है। न्यूक्लिक अम्ल तो होता है एक सूत्री आरएनए के रूप में, लेकिन चारों तरफ से जो इसकी भित्ति होती है, वाल होती है, सपोज करिए कि यह न्यूक्लिक अम्ल है तो इसके चारों तरफ एक प्रोटीन की वाल है जिसको कैप्सिड कहते हैं, वही नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है, इसी को प्रोटीन कैप्सिड, प्रोटीन आवरण अनुपस्थित होता है। तो क्या कहते हैं इसको, नेकेड वायरस, ये नग्न विषाणु होता है। जब प्रोटीन का आवरण कैप्सिड अनुपस्थित होता है तो इसको नेकेड वायरस, नग्न विषाणु कहते हैं, या इसी को मेटासोम के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, अदर नेम ऑफ वायराइड्स इज मेटासोम बिकॉज इट डू नॉट हैविंग प्रोटीन कवर कैप्सिड, क्योंकि इसके चारों तरफ प्रोटीन का कवर अनुपस्थित होता है। ये फाउंड इन प्लांट्स है, प्लांट्स पौधों में पाई जाती है। किसमें, पौधों में ही पाई जाती है, और उसमें काज डिजीज, पौधों में पाई जाती है और उसमें रोग उत्पन्न करती है। प्लांट सेल या पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है और उनमें रोग उत्पन्न करती है, अर्थात काजेज प्लांट डिजीज, पादप रोग उत्पन्न करती है। ये लाइक टीएमवी, टीएमवी एक विषाणु है, टोमैको मोजेक वायरस, तंबाकू का चिचेरा रोग, पढ़े होंगे कक्षा 10 में, टीएमवी टोमैको मोजेक वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। तो उस टीएमवी की तरह यह वायराइड्स भी ट्रांसमिट करते हैं, स्थानांतरित होते हैं वन होस्ट टू अदर होस्ट, एक संक्रमित पादप से दूसरे जो है स्वस्थ पादप पर ये स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि टीएमवी टोमैको मोजाइक वायरस में ऐसा ही होता है। बाय पालनग्रेन, परागकण, पालनग्रेन माने परागकण, जानते हैं कि पुष्पी पौधों में नर जननांग पुंकेसर की इकाई पुंकेसर के ये शीर्ष पर जो एंथर होता है, एंथर, इसी में परागकण पाए जाते हैं, जो परागण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो उन्हीं परागण क्रिया में ये परागकण के द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं, इंटर कर जाते हैं निषेचन के समय, परागण के समय ओव्यूल बीजांड में, और बीजांड निषेचन के बाद बच्चों किसमें बदल जाता है, बीज में, बीज में बदल जाता है। और जब वो बीज में ये प्रवेश कर जाते हैं वायराइड्स, तो एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन माने बीज अंकुरण के समय, जब बीज को हम बोते हैं और वो बीज अंकुरित होते हैं, तो एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण के समय काज डिजीज ये रोग उत्पन्न करते हैं, और पूरे प्लांट लाइफ साइकिल वेल डेवलप नहीं हो पाती है, पूर्ण रूप से विकसित पौधे का जीवन चक्र नहीं हो पाता है। तो आगे के क्रम में इसकी ओरिजिन थोड़ा सा बच्चों है उसको हम बता दें, इसकी ओरिजिन, उत्पत्ति, वायराइड्स की ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ वायराइड्स, वायराइड्स की उत्पत्ति इंट्रोन से होती है, किससे, इट ओरिजिनेटेड बाय इंट्रोन के द्वारा, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में एयूजी, ये एडनिन यूरेसिल और ग्वानिन, आप नाइट्रोजन बेस में प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स के बारे में पढ़े हैं,
तो उसके अंतर्गत आपको एयूजी कोडान जो होता है, एयूजी कोडान एब्सेंट होता है, एब्सेंट। तो एयूजी कोडान की अनुपस्थिति के कारण इसकी उत्पत्ति इंट्रोन से मानी जाती है। किससे? इंट्रोन से मानी जाती है। थैंक यू। आगे के क्रम में हम लोग प्रियांश पढ़ेंगे।